तुम्हारे पास है। और तुझे किस बात की परेशानी है? क्या मसला है तेरा? मेरा काम है, मैं समझता हूँ किस तरह करना है। What a मम्मी डैडी। और जा सरदाई पी जाके रईस। जब स्मूथ क्या बात है सर? आपको डीएसपी साहब याद फरमा रहे हैं। चलो मैं आता हूं। अस्सलामुअलैकुम सर। वस्सलाम। यहाँ बैठी इजी हो के मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। शुक्रिया सर जी। तो इंस्पेक्टर जलाल, आज हमारे इलाके में एक और वारदात हो गई है। कब और कैसे सर? ये यहाँ से थोड़ी दूर मून शॉपिंग मॉल पर एक नौजवान को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया है। लेकिन सर मैं अभी 10 मिनट पहले ही तो थाने वापस आए हैं और मैंने आते ही मुहर्रर से इस बात की तस्दीक की है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी किस्म की कोई नई कंप्लेंट तो दर्ज नहीं हुई। ये एक नामालूम कॉल आई थी, फिर मैंने अपने जराए से भी तस्दीक करवाई है। यही कोई मेरा ख्याल है कोई 3 बजे का वक्त होगा। सर इस वक्त तो शाम के 7 बज चुके हैं, 4 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक किसी ने पुलिस से रब्ता नहीं किया। इसी बात का दुख है जलाल कि आवाम बिल्कुल पुलिस से ताबू नहीं कर रही। सर पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद चंद काली भेड़ों की वजह से अवाम का पुलिस पर से एतमाद कुछ कम हो गया है और अगवा के अक्सर केसेस में मुजरिम अगवा कुनिंदा के लाहकीन को फ़ोन पर इतना डरा धमका देते हैं कि वो पुलिस से रब्ता नहीं करते और उनकी कोशिश यही होती है कि वो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा पैसा हो सके लाहकीन से निकलवा सके। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर जलाल। सर अवाम में इस बात का शौर उजागर करना बहुत ज़रूरी है कि जब तक अवाम पुलिस के साथ तआवुन नहीं करेगी तो हम मुजरिम को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते। अब इस केस को ही ले लीजिए, ना कोई मुद्दई सामने आया है ना मुलजिम की कोई खबर है। सर अगर हम अपने तौर पर भी तफ्तीश करना चाहें तो अंधेरे में टकरे मारने के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर जलाल, हमारे थाने की हदूद में ऐसी वारदातों का तवातर से होना, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे यकीन है कि हमारे शहर में एक ऐसा गिरोह सरगर्म है जिसे इस इलाके के अमीर और खाते पीते अफराद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हैं, जो उन्हें डरा धमका कर पुलिस से दूर रखता है। और मेरी तफ्तीश के मुताबिक सर, इस इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातें पिछले 1.5 साल में कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी अपने अरूज पर हैं। और ये वही अरसा है सर जिसमें इंस्पेक्टर नवाज इस थाने में तैनात रहा है। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि नवाज ही इस गैंग की सरपरस्ती करता है। मैं अपने मौजूदा केसेस की तफ्तीश इन्हीं पहलुओं की रोशनी में कर रहा हूं। जैसे ही कुछ सबूत मेरे हाथ आ गया, मेरे हाथ इनके गिरबानों तक होंगे। सर इंस्पेक्टर जलाल, इन्हीं पहलुओं पर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें और इसके बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो मुझे दे दें। जी बेहतर सर। थैंक यू। जी हाँ, अब तो सभी